हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज बनाते हैं ढाबा स्टाइल पनीर, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। और साथ में ढाबे में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं तो उनको भी बताएंगे कि किस तरह से यूज़ करते हैं, जिससे कि ग्रेवी जो है तो काफ़ी थिक बनती है। तो सबसे पहले जो है तो पनीर को ले लेंगे और उसको कट कर लेंगे। आप अपने साइज़ के हिसाब से कट कर लीजिए, जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए है। और उसके बाद कुछ मसाले जैसे मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर, नमक को मिक्स करके और इसको कम से कम 7-8 से 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे इस तरह से, तो मसाले अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद जो ये पनीर है तो इसको देसी घी में जो है तो फ्राई करेंगे। देसी घी में फ्राई करने से पनीर का जो टेस्ट है तो बहुत अच्छा आता है। और बस फ्राई करने के बाद इसी में फ्राई पैन में रखा रहने देंगे। और इसके बाद जो है तो सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें खड़े गर्म मसाले लिए हैं, जिसमें बड़ी इलायची, जीरा और तेज पत्ता है और लाल मिर्च है। और बस इसको डालने के बाद जो है तो प्याज डालेंगे। प्याज को कट करके ही डालिए, लेकिन काफ़ी बारीक कटी हुई होना चाहिए, इससे जो ग्रेवी का टेक्सचर है तो वो बहुत अच्छा आता है। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और ढक के प्याज को गलने तक पका लीजिए। और जहाँ थोड़ा सा ये पक जाएगा तो इसमें हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर डालना है। इस तरह से डालने के बाद जो है तो आप इसको फिर से चलाइए और 3 से 4 मिनट तक चला लीजिए। और साइड में जो है तो थोड़ा सा बेसन है, तो इसको बिल्कुल ड्राई हमने भूंज लिया है। और इसके बाद जो है तो टमाटर को ले लिया है, तो टमाटर भी ज़्यादा महीन नहीं किया है, ये भी दरदरा ही है। और मसाले हो जाने के बाद ये टमाटर इधर पर डाल दिए हैं, अब फिर से इसको चला लेंगे। साथ में लहसुन और अदरक का 1 चम्मच पेस्ट है, ये भी दरदरा है, मतलब जितने भी मसाले आप डालिए तो थोड़े दरदरे से डालेंगे तो इसकी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद देखिए 2 चम्मच जो है तो दही डाला है, और साथ में जो भुंजा हुआ बेसन था तो वो 2 चम्मच करीब इसमें डाल दिया है। और इसको फिर से भून लेंगे। दही से जो होता है तो कलर काफ़ी अच्छा आता है। और देखिए इधर पर तेल इसने छोड़ दिया है। और इसके साथ ही कसूरी मेथी, मतलब पनीर में यदि आप कसूरी मेथी का यूज़ करते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है। और थोड़ी सी जो है तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना है, जिससे कि कलर और अच्छा आएगा। और बस मक्खन जो है तो मक्खन को आप 1 से 1.5 चम्मच करीब डाल दीजिए। और आप देख सकते हैं कि जो मसाला है तो मसाले का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अब इसमें पानी आप अपने जितनी भी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उसके हिसाब से रखिए। अगर आपको मसाला पनीर बनाना है तो इस तरह से थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी को रखिए और पनीर को डाल दीजिए, लेकिन हमको थोड़ा सा पतला चाहिए था इसलिए इसको ये कंसिस्टेंसी रख के और पूरा जो पनीर था तो उसको इसमें डाल दिया था। तो इस तरह से बस पनीर डालने के बाद जो है तो इसको 1 से 2 मिनट तक बॉयल आने तक पकाया था। और बस इसके बाद देखिए पनीर बन के तैयार हो गई है, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रेवी का टेक्स्चर आया था। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा जो पनीर है, पनीर की रेसिपी है, वो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।